Hello guys, starting from digestive system now. The human digestive system consists of alimentary canal and the associated glands. जो हमारा digestive system है उसमें खाली दो चीज़ें होती है, alimentary canal होता है और associated glands होते हैं. मतलब digestive system में दो चीज़ें होती हैं, alimentary canal and associated glands. AC and AG. Digestive system consists of AC and AG. Moving forward, elementary canal को हम डिटेल में पढ़ते हैं. The elementary canal begins with an anterior opening, the mouth, and it opens out posteriorly through anus. तो देखने की बात यहाँ पे ये है कि जो elementary canal है, elementary canal पूरा का पूरा आता है, पूरा mouth से लेकर माउथ टू नीचे. इंसान कुछ ऐसा दिखता है ना, इंसान कुछ ऐसा दिखता है, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ये एलिमेंट्री कैनाल आता है. इस एलिमेंट्री कैनाल में एक एंटीरियर ओपनिंग होती है, मतलब स्टार्ट ये एंटीरियरली होता है, स्टार्ट पोस्टीरियरली होता है एंड. एंटीरियरली ये माउथ से स्टार्ट होता है, पता ही है, माउथ से स्टार्ट होता है. पोस्टीरियरली कहाँ से ओपन खुलता, कहाँ से, एनस से खुलता है. तो अगर क्वेश्चन आए कि एंटीरियर ओपनिंग तो माउथ, पोस्टीरियर ओपनिंग तो एनस, सिंपल. मूविंग फॉरवर्ड, तो जी आगे चलते हैं. द माउथ लीड्स द इनटू द बकल कैविटी और द ओरल कैविटी. द ओरल कैविटी हैज नंबर ऑफ टीथ एंड मस्क्यूलर टंग. ईच टंग इज एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन. दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थीकोडोंट. करेक्ट. तो अब जो हम माउथ देख रहे हैं, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो था माउथ, उसकी अगर हम बात करें, उसको हम, उसके बाद यहाँ पर जो स्टार्ट आता है, ये पूरा, ये एक इंसान है, ठीक है, हम ये मानते हैं कि एक इंसान है, हम डिटेल में जाते हैं, ये एक इंसान है हमारे पास, ठीक है. इसी इंसान के अब हम इनर माउथ में जाते हैं. दांत कुछ ऐसे दिखते हैं, मैं ये मुंह बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है. यह हमारा माउथ एरिया है. माउथ एरिया खुलता है बकल कैविटी में. किस में खुलता है? ये माउथ एरिया है, ये जो आउटर है, ये हमारा माउथ एरिया है. करेक्ट. अंदर ये पार्ट इज बकल कैविटी, दिस इज बकल कैविटी, या फिर हम इसको ओरल कैविटी बोल सकते हैं. मतलब माउथ खुलता किस में है? बकल कैविटी और ओरल कैविटी में. क्लियर. मतलब ये माउथ है, अंदर बकल कैविटी या ओरल कैविटी है. करेक्ट. नेक्स्ट. हाँ, और जो ओरल कैविटी है, जो हमने अभी ओरल कैविटी देखी, ये जो ओरल कैविटी या बकल कैविटी भी हम बोल सकते हैं, ये जो अंदर वाला एरिया है, इसमें क्या होते हैं? इसमें पूरे के पूरे दांत होते हैं और एक टंग होती है. अब देखने की बात ये है कि अगर हमें क्वेश्चन आए कि टंग क्या है, टंग के बारे में पूछा जाए, तो टंग एक मस्क्यूलर ऑर्गन है. टंग इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन. आपको इसमें फील करने पे, जो टंग होती है, इसको फील करने पे आपको कोई, ये इसके पैपिला होते हैं, हम आगे देखेंगे. ये मेरे डॉट्स क्यों नहीं आ रहे इस पर, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट. ऐसे देख लो, नहीं ये हो नहीं रहा. आप इस पर समझो कि इस पर डॉट्स से होते हैं, इसको हम बोलते हैं टंग. टंग एक मस्क्यूलर ऑर्गन है, इस पे डॉट से होते हैं जिनको हम पैपिले बोलते हैं, वो हम आगे देखते हैं, ठीक है. जो अटैचमेंट होती है, ये दांत है, मैं ये थोड़ा क्लियरली समझाती हूँ. हाँ, ये जो हमारे दांत होते हैं, ये अटैच होते हैं यहाँ से, इनको हम गम्स बोलते हैं, राइट, इनको हम गम्स बोलते हैं. ये जो टीथ अटैच्ड है, इसको बोलते हैं थीकोडोंट. ऐसे अरेंजमेंट को बोलते हैं थीकोडोंट, जिसमें दांत अटैच हो, जिसमें दांत एक एक जॉ बोन में अटैच हो. ये एक जॉ बोन है, ये एक जॉ बोन है, इस जो एक जॉ बोन में अटैच हो रहे हैं दांत गम्स के साथ, इसको बोलते हैं थीकोडोंट अरेंजमेंट. इसको क्या बोलते हैं? थीकोडोंट अरेंजमेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं थीकोडोंट अरेंजमेंट. नेक्स्ट.
ठीक है, जिसमें एम्बेडेड हो इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन. अभी तक हमने बोला एलिमेंट्री कैनाल पूरा ऊपर से नीचे तक एरिया आता है. डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास एसोसिएटेड ग्लैंड्स और एलिमेंट्री कैनाल आता है. एंटीरियर ओपनिंग माउथ है, पोस्टीरियर ओपनिंग एनस है. माउथ के बाद ही बकल कैविटी या ऑरल कैविटी आती है. उसमें होते क्या है, दांत और टंग. टंग का पहला अरेंजमेंट सीखा हम, जिसको हम थीकोडोंट बोलते हैं. नेक्स्ट, मजॉरिटी ऑफ द मैमल्स, इंपॉर्टेंट लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन. मजॉरिटी ऑफ द मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग फॉर्म टू सेट्स ऑफ टीथ. मजॉरिटी मैमल्स की भी बात हो रही है और जिसमें ह्यूमन्स भी आते हैं. मजॉरिटी टाइम्स दो सेट ऑफ दांत होते हैं, टू सेट्स ऑफ टीथ, एक सेट और दूसरा सेट. आप लोगों को ऐसा लग रहा है? बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं है. आप बोलोगे ये ऊपर वाले जॉ और नीचे वाले जॉ को बोल रहे हैं टू सेट्स, ऐसा नहीं है. टू सेट्स इज समथिंग एल्स, मैं बताती हूँ क्या टू सेट होता है. पहले हमें आते हैं मिल्क टीथ, फिर हमें आते हैं परमानेंट टीथ. ये हम नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं, मिल्क टीथ आपके चले गए, अच्छा आपका परमानेंट टीथ आ रहे हैं. इसको बोलते हैं टू सेट, वन सेट एंड टू सेट. ये नॉर्मली मैमल्स और ह्यूमंस में आते हैं. क्लियर? मतलब ह्यूमंस और मैमल्स में टू सेट ऑफ टीथ होते हैं, मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ. करेक्ट? Majority of mammals include human being form two sets of teeth during their lifetime. A set of temporary milk or deciduous teeth replaced by set of permanent or adult teeth. अब देखने की बात ये है, just give me a minute. हाँ, देखने की बात ये है कि जो हमारे, मैंने बोला milk teeth हम बोलते हैं, मिल्क टीथ को ही हम दूसरे नाम से, इसको नाम याद रखने की ज़रूरत है, इसको हम टेम्पररी टीथ भी बोलते हैं. मिल्क टीथ को ही हम टेम्पररी टीथ भी बोलते हैं, या फिर हम इसको डेसिडियस टीथ भी बोलते हैं. ठीक है, तीन चीज़ें याद रखनी है, मिल्क टीथ, टेम्पररी टीथ, मिल्क टीथ, डेसिडियस टीथ. ठीक है, तीन मिल्क टीथ के तीन नाम है. मिल्क टीथ तो है ही, टेम्पररी टीथ और डेसिडियस टीथ. ठीक, करेक्ट. नेक्स्ट बात है, फिर हम बोलते हैं अडल्ट टीथ, या फिर हम जिनको हम बोलते हैं परमानेंट टीथ. करेक्ट, इसके दो ही नाम है. ओके, इसका, हाँ इसके दो ही नाम है ना, हाँ परमानेंट टीथ और अडल्ट टीथ. कोई कहता है परमानेंट टीथ, कोई कहता है अडल्ट टीथ. अभी तक हमने देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम देखा हमने, इसमें दो चीज़ें, एलिमेंट्री कैनाल में माउथ पोस्टीरियर है, हमने सारा देखा, सॉरी माउथ एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है. थीकोडोंट भी पढ़ा. मैमल्स में दो सेट होते हैं, एक होता है हमारे पास टेम्पररी मिल्क टीथ, डेसिडियस टीथ दूसरा नाम है उसका, और परमानेंट टीथ और उसका नाम, उसका दूसरा नाम अडल्ट टीथ. नेक्स्ट, क्लियरिंग दिस आउट, मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, आगे चलते. दिस टाइप ऑफ डेंटेशन इज कॉल्ड डाइफायरोडोंट. अभी तक हमने दो टाइप ऑफ अरेंजमेंट पढ़ी. जो पहली टाइप ऑफ अरेंजमेंट वो हमने देखी, सॉकेट में एम्बेडेड था. एक मिनट, टी क्यों नहीं आ रहा. हाँ, वो एक मिनट, हाँ वो सॉकेट में एम्बेडेड था, उसको हमने नाम दिया थीकोडोंट. करेक्ट, दूसरा वाला दो सेट्स है, इसको हम नाम देते हैं डाइफायोडोंट. पहला हमने बोला सॉकेट में एम्बेडेड है तो थीकोडोंट, दूसरा हमने बोला दो सेट्स है तो डाइफायोडोंट. टू अरेंजमेंट्स डन, डन एंड कंप्लीट. करेक्ट, दिस पार्ट ऑफ पोर्शन कंप्लीट. नेक्स्ट, एन अडल्ट ह्यूमन. अब हम अगर बात करें एक बड़े इंसान, एक अडल्ट इंसान की, उसके पास होते हैं 32 परमानेंट टीथ. इम्पॉर्टेंट, परमानेंट टीथ होते हैं 32 अडल्ट में परमानेंट टीथ होते हैं 32 परमानेंट टीथ, 32 परमानेंट टीथ, जिसमें जो चार टाइप्स के होते हैं. एक मिनट, कितने टाइप्स के होते हैं, वो होते हैं चार टाइप्स के टीथ होते हैं अडल्ट में. 32 टीथ होते हैं जो चार टाइप्स के होते हैं, इंसिजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स. हम बचपन से सुनते आए हैं इंसिजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स, ये बचपन से देखते आए. ठीक है, अब अगर हम एक एक की बात करें, देखते हैं. इंसिजर्स 8 होते हैं,
इंसिजर्स 8 होते हैं, कैनाइन 4 होते हैं, प्रीमोलर्स 8 होते हैं और मोलर्स की बात करें तो वो 12 होते हैं। ठीक है, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स में बता रही हूँ आपको, मैं ICPM आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे आपने वहाँ पर ऊपर याद किया था डाइजेस्टिव सिस्टम, वैसे यहाँ पे ICPM याद कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट अब हम इसी पर आते हैं, बुक ने क्या बोला है। हाँ जी, तो हाँ, जो हमारे पास एक और हम फिर से इस पर आते हैं, हमने बात की कि अरेंजमेंट की, पहला वाला बोला सॉकेट में होता है, दूसरा वाला बोला हमने टू सेट्स होते हैं, तीसरे अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं हम, उसको बोलते हैं हेटीरोडोंट, उसको क्या बोलते हैं, हेटीरोडोंट, हेटीरोडोंट, हेटीरोडोंट मतलब वो अरेंजमेंट जिसमें हमारे डेंटेशंस जो है, हमारी जो दांत है वो चार टाइप्स के हों, जिसमें चार टाइप्स के दांत हो, जैसे हमने देखे यहाँ पे चार टाइप के दांत, इंसिजर्स देखे, कैनाइंस देखे, प्रीमोलर्स देखे, मोलर्स देखे, जो मोलर्स 12 होते हैं, करेक्ट, ये हमने देखा, उसी के बारे में बात हो रही है, उसी को बोलते हैं हेटीरोडोंट। ठीक है, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स, हाँ ये अरेंजमेंट हमने देखा। अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ, अरेंजमेंट इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ इन द ऑर्डर ICPMM, ये बोल रहे हैं कि जो दांत होते हैं, जो दांत होते हैं ऊपर, एक मिनट, ऊपर वाले और नीचे वाले, ये इनका भी ऑर्डर होता है ICPMM और इनका भी ऑर्डर होता है ICPMM, ये पता है हमें। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि इनका एक डेंटल फॉर्मूला होता है 2-1-2-3, 2-1-2-3, ये इनका डेंटल फॉर्मूला है 2-1-2-3, 2-1-2-3, करेक्ट, इतना क्लियर है। ठीक है, और ये हमेशा सेम नहीं रहता, ये अडल्ट की बात हो रही है, ये जो डेंटल फार्मूला है ये अडल्ट की बात हो रही है, हम चाइल्डहुड का अलग देखेंगे, हम हर चीज़ का अलग से देखेंगे कि क्या रहता है आगे जाके। ठीक है, तो डेंटल फार्मूला क्या है 2-1-2-3, मैं आपको क्वेश्चंस फ्रेम करके इसके एंड में दूंगी जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। जो हार्ड च्यूविंग सर्फेस है दांत की, जो हार्ड च्यूविंग सर्फेस है, इसको भी हम यहाँ से समझते हैं, ये हमारे पास एक दांत है, मानो हम एक दांत को जूम कर रहे हैं, इस पे एक सरफेस होती है, ये मानो आप ऐसे, इसको बोलते हैं एनामल, क्या बोलते हैं, एनामल बोलते हैं। ये एक हार्ड 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 पार्ट होता है, इस ये जो हार्ड पार्ट होता है दांत हमारा, ये एनामल का बना होता है, किसका बना होता है, एनामल, इसी की वजह से हम किसी भी फूड मॉलिक्यूल को तोड़ सकते हैं। ठीक है, और इसी एनामल को अगर हम डिटेल में देखें कि ये जो बना किससे होता है, ये क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है कि ये बना किससे होता है, ये एनामल जो है ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, CaCO3 से, और कैल्शियम फॉस्फेट से, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, करेक्ट। आगे चलते हैं जी, एनामल से बना होता, एनामल च्यूविंग सरफेस है, ये मास्टिकेशन ऑफ फूड में हेल्प करती है, तोड़ने में हेल्प करती है। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे टंग को इन द फर्दर क्लास, तब तक के लिए यहीं तक एंड करते हैं, टंग को आगे पढ़ेंगे, और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये जो पूरी की पूरी ये मैं आपको थोड़ा ऐसे दिखाती हूँ, ये जो पूरी की पूरी ये डायग्राम है, मैं एक अप्रोप्रिएट हर एक चीज़ को यहीं पे कवर करूँगी ताकि हमारे लिए सामने इजी हो जाए इसको समझना। विद दैट आउट ऑफ द वे, हम अगर यहाँ देखें, हम अभी टंग करेंगे, और इसके एंड पर, इस वीडियो के एंड पर मैं आपको जो जो मैंने पढ़ा है, फॉर एग्जांपल मैंने ये पोर्शन कंप्लीट किया है, इसमें से क्वेश्चन निकाल के दूँगी, इसमें से क्वेश्चन निकाल के दूँगी, इसमें से क्वेश्चन निकाल के दूँगी, हर 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 सब टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन फ्रेम करके।